नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर आने वाला सप्ताह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाले सप्ताह के अंदर आपको इंडिया में 3 बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इनमें आपको दोस्तों ओप्पो K3, रियलमी एक्स और रेडमी K20 मोबाइल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इन तीनों ही स्मार्टफोन की सबसे खास बात, दोस्तों कंपनी इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को मिड रेंज के अंदर लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, इन तीनों ही मोबाइलों के अंदर आपको लगभग एक जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इनके कुछ फीचर्स के अंदर आपको चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को कंपेयर करके बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा, किस मोबाइल के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया और अच्छे फीचर्स मिलेंगे और कीमत के मामले में कौन सा मोबाइल सही रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी एक बढ़िया और अच्छा पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन मोबाइलों के लुक, इनके डिजाइन और इनके फ्रंट पैनल की, तो दोस्तों तीनों ही मोबाइलों का लुक और इनका डिजाइन लगभग एक जैसा है। तीनों ही मोबाइलों के अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और इनके अंदर आपको एक ही टाइप का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इन मोबाइलों के डिस्प्ले के साइज की, तो दोस्तों आपको रियलमी एक्स मोबाइल के अंदर कंपनी ने 6.53 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी K20 मोबाइल की डिस्प्ले की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 6.39 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है और इसकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्ट की गई है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए ओप्पो K3 मोबाइल की डिस्प्ले की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों ही मोबाइलों के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में से आपको रेडमी K20 मोबाइल के अंदर छोटी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि आपको रियलमी एक्स और ओप्पो K3 मोबाइल के अंदर लगभग 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में रियलमी एक्स और ओप्पो K3 आगे है, इसके अंदर आपको बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले मिलती है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इन मोबाइलों की रैम और इनके वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी एक्स मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल को कंपनी 4GB, 6GB और 8GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी K20 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल को कंपनी इंडिया में 4GB और 6GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए ओप्पो K3 मोबाइल की, तो दोस्तों लीक्स डिटेल के मुताबिक इस मोबाइल को कंपनी इंडिया में 6GB और 8GB रैम के साथ लॉन्च करेगी, जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको रेडमी K20 और ओप्पो K3 मोबाइल के अंदर दो दो वेरिएंट ही मिलेंगे, जबकि आपको रियलमी एक्स मोबाइल के अंदर शायद 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इन मोबाइलों के सबसे खास फीचर इनके कैमरा के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी एक्स मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देगी। तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी K20 मोबाइल के कैमरा की, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों बात की जाए ओप्पो K3 मोबाइल के कैमरा की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी इसके बैक पैनल के ऊपर भी ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देगी, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा देगी। तो दोस्तों, तीनों ही मोबाइलों के कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों तीनों ही मोबाइलों में से आपको रेडमी K20 मोबाइल के अंदर बढ़िया और अच्छे कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दराय नहीं है, और इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा। तो दोस्तों, रेडमी K20 मोबाइल आपके लिए एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी एक्स मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 616 का GPU दिया गया है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी K20 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको दोस्तों एडिनो 618 का GPU दिया गया है। और अगर बात की जाए दोस्तों ओप्पो K3 मोबाइल के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर भी आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 616 का GPU दिया गया है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों ही मोबाइलों के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों
आपको Redmi K20 मोबाइल के अंदर बढ़िया और अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, जिससे इस मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Realme X मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 3750 mAh की वूक फास्ट चार्जिंग 3.0 वोल्ट वाली बैटरी दी है। और अगर दोस्तों Redmi K20 मोबाइल की बैटरी की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने Redmi ब्रांड के दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह ही 4000 mAh की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी है। और अगर दोस्तों Oppo K3 मोबाइल की बैटरी की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 3765 mAh की वूक फास्ट चार्जिंग 3.0 सपोर्ट वाली बैटरी दी है। तो दोस्तों तीनों ही मोबाइलों की बैटरी के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों तीनों ही मोबाइलों में से आपको Redmi K20 मोबाइल के अंदर बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी मिलेगी, जिससे आपके मोबाइल का लॉन्ग पावर बैकअप होगा। चलिए दोस्तों आप जानते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों यदि आप इनमें से किसी एक मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे नजर में आपको इन तीनों में से Redmi K20 मोबाइल खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप मिलता है, बढ़िया और अच्छी बैटरी मिलती है, और इसका प्रोसेसर भी बड़ा है, जिससे इस मोबाइल के अंदर आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर दोस्तों इन मोबाइलों की कीमत की बात की जाए, तो दोस्तों तीनों ही मोबाइलों की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों आपको इन तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, हमें कमेंट करके